When someone is attacked by an evil spirit, they may experience a range of physical, emotional, and psychological symptoms. These may vary depending on the nature and the intensity of the attack. कुछ लोगों को physical symptoms होते हैं, जैसे बीमारी की कोई शुरुआत या अनसुनी शारीरिक असहजता का अनुभव हो सकता है, जैसे सर दर्द होना, चक्कर आना, थकान हो जाना, लो एनर्जी फील करना. कुछ लोगों को फियर एंग्जाइटी जैसे पैनिक अटैक्स की तरह ट्रिगर्स क्रिएट हो जाते हैं. और कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, जैसे नींद का बंद हो जाना, नाइटमेयर आना, हेलुसिनेशंस आना, बुरे डरावने सपने आना, किसी एक बुरी आत्मा के प्रेजेंस का फील होना. इससे एक पर्सन के स्पिरिचुअल वेलबींग का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, जिससे कई बार कनेक्शन टूट जाता है दूसरे लोगों से, आइसोलेशन हो जाता है, अपने बिलीफ सिस्टम से डिसकनेक्शन हो जाता है, अच्छे कामों में बाधाएं क्रिएट हो जाती हैं, एंड उसमें एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस या क्राइसिस की तरह सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. तो आइए इस ईविल एनर्जी अटैक से बाहर आने के लिए एक बहुत ही सुंदर पावरफुल ध्यान करना है. तो मेरे साथ शांति से एक स्थान ढूंढें जहां बिना किसी डिस्टरबेंस के आप बैठ सकें या लेट सकें. अपनी आंखें धीरे से बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें ताकि आप स्वयं को केंद्रित कर पाएं. महसूस करें कि धरती आपको सहारा दे रही है और अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दें, समर्पित कर दें. अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें कि आप एक सुरक्षित संरक्षित जगह पर हैं और दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं. कहें कि आप सारी नकारात्मक ऊर्जा या प्रभाव को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं. अपने मन की आंखों से देखें कि आप एक संरक्षित ढाल अपने आभा मंडल में देखें. अपने आप को वो व्हाइट लाइट से घिरे हुए महसूस करें. महसूस करें कि हनुमान देवता या कोई इष्ट देवता के आशीर्वादों से ये दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और वो शक्ति नकारात्मक शक्तियों को हराने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए आ चुका है. इस प्रकाश को एक ढाल के स्वरूप में महसूस करें जो आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं से या अशुभ आत्माओं से दूर करता है. इस ढाल को एक बाधा के रूप में देखें जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, शक्तियों को रोकती है. इमेजिन लॉर्ड हनुमान्स फॉर्म और एनी फॉर्म ऑफ योर इष्ट देवता और कुल देवता ग्लोइंग विद अ डिवाइन ऑरा, इल्यूमिनेटिंग द स्पेस अराउंड यू. विजुअलाइज देयर प्रेजेंस dispelling darkness and banishing any lingering shadows of negativity. आपके साथ संबंधित दिव्य प्राणियों को या ऊर्जाओं को आमंत्रित करें, जैसे कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इष्ट देवता, कुल देवता. उनकी प्रेम भरी उपस्थिति को महसूस करें जो आपको सांत्वना, मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान कर रहा है. इन दिव्य शक्तियों की चेतना को पुकारें और पूर्ण तरह से समर्पित हो जाएं. उनके दिव्य ज्ञान और निस्वार्थ प्रेम में खो जाएं. ऊपर से
एक पवित्र सफेद प्रकाश की किरण को गिरते हुए धारण करें, जो आपके सातों चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। जैसे ही यह प्रकाश आपके ऊपर बहती है, महसूस करें कि सारे दिव्य ऊर्जा आपके शरीर और मन को निर्मल बना रही है, हील कर रही है। ये ऊर्जा सारी नेगेटिविटी को आपके शरीर से बाहर फेंक रही है और ये टॉक्सिन्स के रूप में आपके पैरों से निकल रहे हैं। फिर विजुलाइज करें कि जो भी इविल स्पिरिट ने आपको घेर रखा है, उसका ग्रिप लूज हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। जो इविल स्पिरिट ने आपके शरीर में जकड़न बनाई रखी है, वो धीरे धीरे छूट रहा है और हमारे दिव्य शक्तियां उन्हें हमारे शरीर और आभा मंडल से खींचकर यूनिवर्स में समर्पित कर रहे हैं। आपके मन में पूरे विश्वास के साथ देखें कि ये जो इविल स्पिरिट हुआ है, अटैक हुआ है, वो हील हो रहा है। देखें कि शारीरिक तकलीफें तो हील हो ही रही हैं, लेकिन आपकी मानसिक चेतना भी धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है। जो आपको पहले महसूस होता था कि वो इविल एनर्जी आपको पुल कर रहा है, उसको अपने आभा मंडल से निकलते हुए देखें। सारी ब्लैक एनर्जीज बाहर निकल रही हैं और आपके पूरे आभा मंडल में सेवन चक्रास बैलेंस हो रही है। एंजल्स और इष्ट देवता उनमें जान फूंक रहे हैं, ऊर्जा फूंक रहे हैं। पूरी तरह से जब आप देखें कि इविल स्पिरिट आपसे अलग हो गई है, तो अपने पेट के पास टू फिंगर्स को लेकर कैंची की तरह तीन बार कट करने का विजुलाइज करें और कहें, मेरे साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स जुड़े थे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और मैं इन कॉर्ड्स को यूनिवर्स को समर्पित करती हूँ। जो भी इविल स्पिरिट्स मेरी ओर भेजे गए थे वो उनके सोर्स पर लौट चुके हैं। जिन लोगों ने इन नेगेटिव एनर्जीज को भेजी हैं, उन्हें मेरे एंजल्स, इष्ट देवता विजडम दे रहे हैं कि इन तरीकों से उनका कार्मिक अकाउंट दूषित हो रहा है। ये सारे एंजल्स और इष्ट देवता उन लोगों को लेसन सिखा रहे हैं और मुझे मेरे इष्ट देवता और एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे मेरी उच्चतम चेतना लौटा कर मुझ में फिर से उच्चतम ऊर्जा की जागृति कर रहे हैं। एनविजन लॉर्ड हनुमान, एंजल्स, इष्ट देवता स्टैंडिंग टॉल एंड मैजेस्टिक, देयर प्रेजेंस शाइनिंग विद द ब्रिलियंस ऑफ थाउजेंड सन्स। हजारों सूर्यों की ऊर्जा की तरह सारे दिव्य शक्तियां खड़े हो चुके हैं और आपके ऑरा को सील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर केपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी एडवर्सिटी और चैलेंज पोस्ट बाय इविल स्पिरिट्स। अलाउ देयर रेडिएंट एनर्जी टू इन्फ्यूज विद स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। आपका ऑरा मजबूत हो चुका है। इन दिव्य शक्तियों को, एंजल्स को, इष्ट देवताओं को झुककर पूरे भक्ति के साथ नमन करें, धन्यवाद दें और सदा उनके ग्रेस और प्रोटेक्शन की प्रार्थना रखें। फिर देखें
कि वे सभी दिव्य शक्तियां अपने सोर्स पर धीरे धीरे लौट रहे हैं। इसी धन्यवाद की भावना से अपने आप को मदर टच दें और जब शांत लगे इस दिव्य ध्यान से धीरे धीरे वापस लौटें। पूरे ध्यान के समाप्ति पर अपने हाथ को रॉक सॉल्ट से रब करना है और वॉश करना है। वहां पर आप कपूर भी जलाकर पूरे स्थान को क्लेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान अच्छा लगा, आपको लगा कि आप इस ईवल स्पिरिट अटैक से मुक्त हो गए हैं, तो जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ। धन्यवाद।